साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ऐसा टर्म है जहाँ पे आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। ये एक साइंस है माइंड और बिहेवियर की। सो आज हम जानने वाले हैं पांच ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक एंड टिप्स। ट्रिक नंबर वन, अगर आप किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं सो उस चीज़ को आपको अप्रॉक्स 66 डेज तक प्रैक्टिस करनी होगी, मीन्स लगभग 2 महीना। अगर आप उसको 2 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगी, यानी कि वो आपकी हैबिट बन जाएगी। सो दूसरी टिप ये है कि वो लोग जिनके पास गिल्ट यानी कि पछतावा का डीप सेंस होता है, वो लोग अपने आसपास के लोगों के इमोशंस एंड उनके कंसर्न को अच्छे से समझ पाते हैं। सो तीसरी फैक्ट है कि जब आप किसी भी इंसान से मिलते हो जिनको आप पसंद करते हो, आप लाइक करते हो, सो आपकी आँखों की जो पपनियाँ यानी कि पीपल्स, वो 45% तक उठ जाती है। इसीलिए लोग हमेशा ये कहते हैं कि टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो। अगर टुकुर टुकुर आप देख ही रहे हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दो। अगर कुछ बोलना है सो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, वो फूड्स जिनमें प्रिजर्वेटिव्स हो, अगर आप वैसे फूड्स को कंज्यूम करते हो सो ये आपकी IQ को 14% तक इंक्रीज कर सकता है। और ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव वो फूड्स में होते हैं जो कि पैक्ड हों, मे बी वो सॉलिड फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड या फिर समटाइम सेमी सॉलिड। 5th फैक्ट ये है कि मैन एंड वुमेन के कंपैरिजन में वुमेन ज़्यादा इंटरटेनिंग होती है, बट मैंस ज़्यादा जोक्स क्रैक करते हैं। भले ही वो लोगों को पसंद आए या ना आए, बट वो हमेशा ज़्यादा जोक्स क्रैक करने की ट्राई करते हैं। सो अगले बार अगर आप सोच रहे हैं कि किसी के लिए जोक क्रैक किया जाए या कहीं पे अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाया जाए सो जोक्स पहले से अच्छे प्रिपेयर करके लेके जाएं। 6th फैक्ट ये है कि जब आप किसी को यौन करते हुए देखते हो यानी कि उबासी लेते हुए देखते हो सो उनको देखने की वजह से आपको भी उबासी आती है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम ये कहा जाता है कि आप किसी ड्राइवर के पास ना सोएं। इफ़ यू आर फीलिंग स्लीपी सो आप कहीं और जाके सो जाएं, बट उनके सामने नहीं सोएं। सिमिलरली अगर आपको कोई ट्रैक कर रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग कि कोई मेरा पीछा कर रहा है सो आप वहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वहाँ पर योनिंग कर सकते हैं। अगर जो अपोजिट पर्सन है जो कि आपको ट्रैक कर रहा है ऐसा आपको लगता है, इफ़ वो भी योनिंग करता है सो वो आपको ट्रैक कर रहा है और एटलीस्ट उसकी नज़र अभी आप पर है। सो 7th एंड फाइनल टिप इज़, जब भी आप किसी फीमेल से बात कर रहे हो अगर वो आपके बातों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे सो अपने हाथ को अपने फेस के तरफ ले जाएंगे। मे बी वो अपने ईयरिंग से प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं या फिर जो भी तरीका हो, बट जब वो आपके बात में इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो अपने हाथ को अपने फेस के तरफ ले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑल द वेरी बेस्ट।